गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हो गई शूट के लिए। यहाँ आधे और आधा सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का जो दिन है वो बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। मेरे तो शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि रेस्ट नहीं मिल रहा है और काम भी जल्दी फिनिश करना है। तो सुबह सुबह हम लोग शूट कर रहे हैं, बज रहा है 7:30 और 7 बजे उठ गई थी मैं, और पहले उठना था नहीं, हाँ सॉरी 6:30 बजे उठ गई थी मैं क्योंकि अलार्म 6:30 का लगाया है। उससे जस्ट 1 मिनट पहले लेखना जी का फ़ोन आ गया था, तो चलिए आपको ले चलते हैं शूट लोकेशन पे और थोड़ी सी झलकियाँ दिखाते हैं। फिर ये वाला सीन है, ठीक है। ओ नो दादी, ये कितनी और थोड़ा सोच और इसे मार्केट से। हमारी हीरोइन आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसकी नींद खराब हुई क्या? 2 घंटे में सब फिनिश करके फिर मैं घर पे पहुंच के रात में उठी हुई थी। उठ गई जानू, तू उठ गई मेरा बच्चा, तुम कितनी प्यारी हो मेरी बेटी, तुम कितनी प्यारी। गाइस शूट हो गया फिनिश और अब हम जा रहे हैं दूसरे किसी शूट पे, आपको दिखाएंगे क्या क्या कर रहे हैं। लेट हो रहा है, अब जल्दी से जा रहे हैं। बाय। जल्दी पहनो। बहुत लेट हो रहा है बाबा, सब वेट कर रहे नीचे। यादिया का लुक है, मुंह पे लगा लिए बहुत सारी लिपस्टिक। चलो जैसे तैसे काम चलाएंगे। नूनू वो चलो 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 का और ये आज का लुक, बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। चलो चलो तो हम पहुंच गए शूट लोकेशन पे। यहाँ पे काफ़ी सारे सीरियल्स का शूट चल रहा है, पर हम जिस सीरियल के लिए आए हैं वो सोनी सब पर आता है, जिसका नाम है पुष्पा। और जिनसे हम मिलने आए हैं वो पुष्पा सीरियल के मेन लीड की बेटी बनी है, उसमें नाम है देशना। उन्होंने लेखना जी को लंच पे इनवाइट किया और हम सब साथ में गए। राशि सीरियल वाला नाम है। यही है देशना, जो सीरियल में मेन लीड की बेटी बनी है और आध्या को बहुत पसंद कर रही थी। और इत्तेफाक से आध्या और उसकी ड्रेस भी मैचिंग हो गई थी। स्कूल का सीन था आज उनका। नुन्ना फोटो खींचू। देखिए इस तरह का होता है जो रूम्स देते हैं एक्टर्स को, अच्छे अच्छे एक्टर्स के ये रूम होते हैं। जैसे मेन लीड हुए ये हुए, ऐसे होता है मेकअप के लिए। कितनी प्यारी लाइटिंग है, तो आपका चेहरा को क्लीन क्लीन और क्लियर दिखता है। And here comes the main lead. Hello. And finally, dosti ho gayi. Very good girl. Good girl. Thank you.
और ये बाकी बच्चे हैं जो पुष्पा जी के बने हैं सीरियल में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जहाँ पे ये स्कूल का सीन शूट हो रहा है। आपको बहुत मजा आया। ये शूट पर्पस से बनाने के लिए जनरल स्टोर है, सेट पूरा बना हुआ है यहीं पे ही, वो हर रोज शूट करता है। यह है सेट गाइस, यहाँ पे शूट हो रहा है तो ये सेट है पूरा। हियर लेखना जी वो टॉकिंग अबाउट आद्या कि वो शोर मचाएगी, तो उसको बाहर छोड़ के आना पड़ा देशना की मम्मी के पास। बस फिर हम चल दिए लंच वंच करके घर की ओर, और यहाँ हमें मिले दूसरे सेट के नकली पुलिस। हम चल रहे, अरे बाप रे, नकली, ये नकली पुलिस है ना? अच्छा इधर हो जा, भैया कितना भोला फेस है भैया का। आइए लड़की को देखो भैया, ऑटो उधर पे देखो, ऑटो चाहिए। मना कर रहे मना कर रहे परफ्यूम से मुझे इतनी एलर्जी है, स्पेशली कार परफ्यूम से इतनी ज़्यादा एलर्जीज है कि मुझे इतनी स्मेल आ रही थी, मेरा दम घुट रहा था। और मैंने मुंह पे ये नैपकिन रख लिया, बस उसके बाद तो बोला ही नहीं गया, अगर बोलती ना तो उल्टी कर देती। कीर्ति जी के यहाँ उन्होंने इनवाइट किया नाश्ते पर मैंने चाय नहीं पी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज मेरे को बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था, बस उसी कारण। ए दीदी तुम डांस करके दिखाओ ना। हेलो ये ध्यान से ना माओ, क्या कर रही है? पिटी करो, डर जाएगी रे। उनकी मुंह की तरफ ही देख रही है, उन्होंने लाडू नहीं।
मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी तो घर पे आ गई जल्दी। आई एम सो टायर्ड। अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सो जाऊँ मैं, और इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर आ गई, अपने रूम में, अपने बेड पे। और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं सो सकूँ, और आधा और मैं साथ में सोए, और राधा भी सोएगी। सो जाओ राधा। अच्छा राधा बोल रही है झाड़ू पोछा लगा के फिर वो सो जाएगी, बाद में सो जाएगी। फिर हो गई रात। क्या कर लिए तुम क्या कर लिए मेरी बेटी, मेरी दुनिया, मेरी जान। हाय एवरीवन, तो घर आने के बाद हम सोए और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम जाएंगे ईशा आंटी के यहाँ, उनको सरप्राइज देना है क्योंकि कल उनका बर्थडे है। चलिए आपको मिलते हैं ईशा आंटी के घर। कहाँ जा रही है आद्या? जा रहे हैं उषा आंटी के घर। और लेखना जी और शिवेंद्र भैया को भी इनवाइट किया था उषा आंटी के बेटे किसले जी ने, तो वो भी हमारे साथ आए हैं। वही तो कह रही कितनी गंदगी की है। किसी बच्चे या किसी ने तो अपने स्टफ टॉय को ऐसा फाड़ के यहाँ फैलाया हुआ है। आपको भी देख रही है। पप्पी कर लो ना, पप्पी कर लो लो ना आज दिखर। ओ लगता है शाम की नाराज भैया नीचे तक रोती रही। चलिए तो आ गए हैं उषा आंटी के घर पे। ये उनका केक जो किसले जी ने मंगवा लिया था, इसलिए हम केक नहीं लाके कुछ और ले आए उनके लिए। चलो अभी पिक्चर लगा के देखेंगे तब तक। वो आ गई क्या वो पिक्चर, वो बन गई दूसरी वाली। और हम यहाँ अपनी मूवी प्रसाद देखने जा रहे थे, जब भी वो इतने मेहनत और मुश्किल के बाद काफी मतलब कुछ और ही आ जाता था बार बार। कितना देखो अब ले लिया, जब सीरियसली एफ लिख रहे हैं तो उसको चेंज करके एस कर दिया साफ निगा। अरे ऊपर वो ऑलरेडी टाइप्ड है, देखो उसको डिलीट करना पड़ेगा। या वैलेंटाइन लिख दो ना तो भी। वैलेंटाइन वाला प्यार नहीं साफ नहीं आती ऐसे है। वैलेंटाइन वाला प्यार नहीं, ये भी आ जाएगा। हम देख रहे हैं आंटी और हमारी पिक्चर। मीटिंग अच्छी लगी? थैंक यू। योगिता ने लगता है इनको कुछ और बताया। मतलब मेरा वाला पूरा हट गया, अब आंटी आएंगी तब सब शांत होंगे, हाथ धोंगे। देख रहे हमारी हीरोइन आ गई।
हमारी हीरोइन आप देखिए, सुपर स्टार एक्ट्रेस। देखिए मेरा एक्सप्रेशन देख रहे हो उसका, शर्मिंदगी वाला एक्सप्रेशन देख रहे हो मेरा। अरे आंटी का देख शर्मिंदगी नहीं, प्यार मेरी है प्यार अरे तालियां दिए कमाल के। राधा बहुत हंसती है हर बार, राधा का रिएक्शन देखना तो पहचान नहीं पा रही हूँ मैं राधा घर पे ना, अच्छी लग रही है एकदम गुड, अच्छी लग रही पूरी बिलासपुरियन बहुत अच्छी लग रही। इसमें आद्या का भी योगदान है, उसकी भी आवाज है थोड़ी थोड़ी। अरे इतनी देर हो गई है, ये रूम कौन सा है? घर है उनका, फ्रेंड का घर है। आज तो कम से कम जल्दी उठ जाओ, आज शिवरात्रि का दिन है। आज महाशिवरात्रि करके दे रहे तुम चुप रहो। भैया तू चल आ, तेरे को भी डायलॉग देते हैं। अरे खुश हो गया वो, खुश हो गया। नहीं बीड़ी पान बेचता है वो, है छोटी सी ऐसे टेबल लगा के बैठता है, उससे बुलवाया हमने। गन्ने का जूस है, पान बनाया उसको। गाइस अगर आपको पूरी फिल्म देखनी है तो मैं आपको दोनों फिल्म वैलेंटाइन वाला प्यार और फिल्म प्रसाद का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जरूर देखिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कहा लगना चाहिए कि चार कैमरा यूज किए। ये देखना ये सीन। बस रुकवा दी थी हमने। ये भैया फिकर ही नहीं कर रहे थे, ये सच में बस रुक गई थी इनकी एक्टिंग देख के। एम्बुलेंस भी मिल गई हमें उसी टाइम, सेम टाइम। ये ऊपर वाला चाहता था। मतलब पूरा टेक समझा दिए, यहाँ से गया आ गया। मुझे अच्छे से टूल्स मिल जाए ना मैं कर डालूंगा। अरे नहीं नहीं आंटी नहीं नहीं, अब कुछ हो रहा है अंधेरी। परसों चली जाऊंगी, कल मतलब। फिर हमने किया नाश्ता और थोड़ी देर बाद काटा केक और किया ढेर सारा डांस। क्या का डांस, डांस तो राधा बहुत अच्छा करते हैं आंटी। हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी का। हाँ उनको मत दो, सो गई मैं।
राधा। चलो पास जाओ वो जैसे कर रही मैं वैसे कर रही Happy birthday to you, happy birthday dear Haji, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you dear Haji, happy birthday to you. बेकरार हो के दामन मालूम है किसका क्या निशान
मैंने खाया पहले क्या मिसाल दूं मैं उसकी, नाम लूं मैं किसका। वाह अच्छा गाना। नहीं नहीं ऐसा यहाँ कोई नहीं है। आपने हम खिलाएंगे आपको। बेबी साल जो कहलाए तुम जियो हजारों साल। तबीयत अच्छी नहीं लग रही। आरजू हैप्पी बर्थडे टू यू। ले ले पूरा। अच्छा टेस्टी है। खा ले ना। ले ले आंटी खिला रही है। ये भी शुगर फ्री है क्या? लेकिन मीठा कम है। अच्छा मुझे भी मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। किसे की? तो आंटी के यहाँ हम केक कटिंग करके आ गए हैं 12 बजे का, और अब हम घर जा रहे हैं। तुरंत ही हम घर जा रहे हैं। हमने नाश्ता पहले कर लिया था, स्नैक्स यानी पहले खा लिए थे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ लव यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी। हमारा ध्यान रखो और अपना भी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ऑल्सो।